नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल FCEV से संसद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्टर देश बन जाएगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या है ग्रीन हाइड्रोजन। दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का स्वच्छ सोर्स है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए पानी यानी H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल कई तरह के सेक्टर में किया जाता है। इनमें केमिकल, आयरन, स्टील, ट्रांसपोर्ट, हीटिंग और पावर सेक्टर शामिल हैं। दोस्तों, हाइड्रोजन के इस्तेमाल से प्रदूषण नहीं होता है। चलिए जानते हैं कार में कैसे काम करता है हाइड्रोजन। आमतौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार व्यापक प्रकार हैं। पहला, ट्रेडिशनल हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी HEV। दूसरा, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी PHEV। तीसरा, सामान्य VEV और चौथा FCEV। दोस्तों, टोयोटा की मिराई, हुंडई की नेक्सो और होंडा की क्लैरिटी जैसे FCEV ऑन बोर्ड इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने के लिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। FCEV बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं जिससे मोटर चलता है। चूँकि वे पूरी तरह से बिजली से संचालित होते हैं, इसलिए FCEV को EV ही मान लिया जाता है। लेकिन VEV के विपरीत उनकी रेंज और ईंधन भरने की प्रक्रिया ट्रेडिशनल कार और ट्रकों के बराबर होती है। एक VEV और FCEV के बीच मुख्य अंतर यह है कि एक VEV को चार्ज करने में 30 से 45 मिनट लगता है, वहीं FCEV को चार्ज करने में बिल्कुल केवल 5 मिनट का समय लगता है। और FCEV में कंज्यूमर को 5 गुना ज़्यादा एनर्जी स्टोरेज और ज़्यादा माइलेज भी मिलता है। वहीं पेट्रोल पर जहां 100 रुपये खर्च होगा, वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर केवल 10 रुपये का ही खर्च होगा।